श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप सावन माह में घर पर शिवलिंग स्थापित करने की सोच रहे हैं, तो इससे संबंधित नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि नियमों का अनदेखा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव की आराधना करने के कई नियम बताए गए हैं, जिनका शिव भक्त विधि पूर्वक पालन करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग की स्थापना करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग में जल और दूध चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार अनजाने में शिवलिंग संबंधी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल डालते हैं। अगर आप भी घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं, तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। घर में रखे जाने वाले शिवलिंग के आकार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि किसी भी शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो उसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 4 इंच से ऊपर का शिवलिंग न रखें। शास्त्रों के अनुसार घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है, इसलिए एक से अधिक कभी भी शिवलिंग न रखें। शिवलिंग को हमेशा किसी कटोरी में रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि पात्र का जल कभी भी सूखे नहीं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से शिवलिंग की जलधारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, यह काफी शुभ माना जाता है। मार्केट में विभिन्न तरह के शिवलिंग मिलते हैं, लेकिन हर किसी को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। घर में पारस शिवलिंग रखना चाहिए, जो चांदी और पारे से मिलकर बना होता है। इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है, यह एक पारदर्शी शिवलिंग होगा। इसके अलावा नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हैं। यह शिवलिंग नर्मदा नदी के किनारे ही पाए जाते हैं, इन्हें वहाँ से मंगा सकते हैं। माना जाता है कि शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए, उसके साथ भगवान शिव के पूरे परिवार यानी माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की तस्वीर रखनी चाहिए। घर के शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही रोजाना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी शिवलिंग में हर प्रहर में पूजा करनी पड़ती है, लेकिन घर में यह संभव नहीं हो पाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों।